नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर 3 का सेक्शन बी। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17। फाइव सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड पीएच एस एस 4, 1, 11 सेवन एंड नाइन। ओके, सो विच सॉल्यूशन इज, पहले लिख लेते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है। यहाँ पर सॉल्यूशन ए जो है उसका पीएच वैल्यू 4 दिया हुआ है, सॉल्यूशन बी का 1, सी का 11, डी का 7 और ई का 9। चलिए अब देखते क्या पूछ रहे हैं। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल तो 7 वाला ही होता है ना, तो 7 कौन है? डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? सॉल्यूशन डी। फिर क्या है? स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब कि 7 से ज्यादा। अब मैक्सिमम कितना नंबर है? मैक्सिमम नंबर है 11। तो मतलब कि स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन में क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सी। ओके, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मतलब कि 7 से जितना कम हो उतना, जितना कम हो उतना तो वो बी है क्योंकि उसका 1 ही है, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बी। वीकली अल्कलाइन 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, और इतना भी ज्यादा नहीं तो 9, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ई। ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंस बताने हैं। 2 मार्क का इसमें, 2 डिफरेंस काफी है कि मेटल कभी भी रिएक्ट करेगा तो वो मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाएगा अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और नॉन मेटल न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल जो है वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेते हैं, जबकि नॉन मेटल्स कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। गिव टू नेम्स एज आस्क्ड अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल मतलब कि बेस। ठीक है, बेस में वो जो अच्छे से पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो देखिए, सबसे आसान तो आपको मेमोराइज करना होगा सोडियम और पोटेशियम। ओके, लिथियम भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। नाउ हेलोजन एलिमेंट्स मतलब कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन से हो जाते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ओके, ब्रोमीन, आयोडीन। अब कोई भी 2 आप इसके अंदर लिख देना, आपकी जो मर्जी हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का, और क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन बिलो। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेट द पोजीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, टेबल के अंदर इनका पोजीशन क्या होगा वो बता। पोजीशन बताने का मतलब है क्या? बता दो कि किस ग्रुप और किस पीरियड में वो एलिमेंट लाई करेगा। तो देखिए, यहाँ पे 3 नंबर है, 2, 8, 4 ना, 3 है। तो जब ऐसे 3 नंबर है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो पीरियड 3 में लाई करता है, पीरियड 3 में लाई करेगा। और अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आपको लास्ट नंबर देखना होता है, क्या है? 4। 4 मतलब कि ग्रुप नंबर 14। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 2, 8, 8, 1 है ना। ठीक है, मतलब कि 4 है, तो ये पीरियड 4th में लाई करेगा। और अगर हम बात कर देते हैं ग्रुप की, तो लास्ट नंबर कौन सा है बेटा? 1, मतलब कौन से ग्रुप में होगा? फर्स्ट ग्रुप में होगा। ओके, सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। हाउ इज फैट या लिपिड डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, इन विच ऑर्गन्स डज दिस प्रोसेस अकर। तो देखिए, ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपने पेपर 2 लर्न किया होगा ना बेटा, तो आपने उसके अंदर शायद सेक्शन डी में क्वेश्चन था जहाँ पे आपको डायग्राम बनाना था ह्यूमन डाइजेस्टम का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन प्रोसेस होता है वो बताना था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने एक पैराग्राफ लिखा होगा बाइल जूस के बारे में। ठीक है, कि बाइल जूस जो होता है वो आता है लीवर से और वही फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सीफाई करता है। तो वो जो आपने लर्न किया था ना, बस वही आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है। तो अगर आपने वो ऑलरेडी क्वेश्चन लर्न कर चुके हैं तो आप इसको रीड कर लेना, उसके साथ बिल्कुल मिलता जुलता ही आंसर होगा। तो आप अलग से इसको लर्न करने की कोशिश मत करना, वो वाला लर्न है तो लिख देना, अगर लर्न नहीं है तो जरूरी वाला क्वेश्चन लर्न करना, सेम ही है। ठीक है बच्चों,
चलिए ना, 20 का और 20 का और क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनएरोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यहाँ पे जो मिलते हैं वो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये अकर होता है, और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें काफी अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको कोई भी दो पॉइंट्स आप लिख देना, कोई इशू नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेट इट्स टू बेनिफिट्स। ठीक है, एंड एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय प्लांट इन विच द न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड। अब ये एक एसेक्सुअल मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर नए प्लांट्स को हम लोग रूट स्टेम या लीव्स में से प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स में से नहीं, उनके किसी बॉडी के पार्ट्स में से। तो इसका बेनिफिट क्या है कि देखो भाई, कोई प्लांट ऐसा होता है ना जिसको बहुत ज्यादा समय लगता है सीड्स में से जर्मिनेशन होने में, तो उस दौरान हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी वो प्लांट जिनके सीड प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी चली जाती है वो भी इस तरीके से ग्रो किए जाते हैं। और इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि ये अपने बिल्कुल पेरेंट के जेनेटिक्स से मिलता जुलता ही होता है, ऑलमोस्ट तो पूरा ओवर सेम ही होता है, तो वो अपने लिए बेनिफिट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, राइट, विच मिरर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग डिवाइस एंड विद योर आंसर। तो हेडलाइट ऑफ अ कार, अब हेडलाइट हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं हेडलाइट के लिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। ठीक है, तो आराम से रिफ्लेक्ट कर लेता है और काफी अच्छा एरिया जो है वो लाइटन कर लेता है। और रियर व्यू में हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, क्योंकि वो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देता है, डिमिनिश इमेज देता है, तो पीछे की ऑब्जेक्ट्स आराम से हमें दिख जाते हैं, आसान है। 23 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है स्टेट इट्स फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देखो पॉइंट ए और पॉइंट दो पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, जो आप काम करते हो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो द वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन सर्किट, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज डब्ल्यू अपॉन ओके वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और क्या बोला गया, एंड राइट द नेम ऑफ द डिवाइस यूज एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डिवाइस का नाम है वो होता है, वो होता है वोल्टमीटर। ठीक है, चलो नाउ 23 का और क्या है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच थ्री सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट। तीन सेल अपन को लगाने हैं 2 वोल्ट के, और रेजिस्टेंस ऑफ 58 और 12 ओमेगा ये हमें कनेक्ट करने हैं की के साथ और सीरीज कनेक्शन में। चलो बहुत आसान है, आइए। ठीक है, तो पहले इन्होंने कहा कि 50 ओमेगा का अपन ले लेते हैं, ये 50 ओमेगा ओके। फिर क्या कह रहा है वो, फिर कह रहा है कि 8 ओमेगा का एक और रेजिस्टेंस ले लो। ठीक है, 8 ओमेगा का एक और कनेक्शन ले लिया। फिर ये कह रहा है कि 12 ओमेगा का भी एक कनेक्शन ले लो। ठीक है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस आ गया। और क्या कह रहा है, कनेक्ट कर लो इन सबको किसके साथ, 2 वोल्ट की तीन बैटरीज के साथ, तीन सेल्स के साथ, बैटरी सॉरी है। तो इसको हमने ले लिया, एक सेल हो गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तीन सेल आ गए। ठीक है, और कह रहा है कि इसको की के साथ कनेक्ट कर लो। ठीक है, की के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया की, दैट्स इट कंप्लीट। नाउ ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, अब करंट जो होगा वो यहां से जाएगा, इसको प्लस साइन दे दिया, इसको माइनस साइन दे दिया, बन गया सर्किट। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना, तो बस तीन कनेक्शन दिए हैं आपको, 50 प्लस 8 प्लस 12, प्लस कर लेते हैं हम लोग, 8 प्लस 12 कितना होगा 20, और 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 70 ओमेगा, दैट्स इट, क्लियर ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसी करंट इन द रेगुलर लाइफ। ओके,
ठीक है, अब एडवांटेज तो भाई चीपर होता है इसलिए करते हैं हम लोग, ठीक है, फ्लक्चुएशन कम होते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं और वो लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल करता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। 25th नंबर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब सीधी बात है, नॉन बायोडिग्रेडेबल तो मतलब कि पॉल्यूशन कॉज करेगा ना, क्योंकि वो डिकम्पोज तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो सारे लेवल्स को वो अनबैलेंस कर लेता है या इम्बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्री बेसिक कॉजेज दैट हैज ब्रॉड क्रिटिसिज्म अबाउट द लार्ज डैम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो एक तो आती है सोशल प्रॉब्लम, फिर आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ना पैसा खर्च होता है बट उसका रिटर्न तो आता ही नहीं ना, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, वहां से आपको जंगल वंगल से काटा पड़ता है तो ये डिफोरेस्टेशन वगैरह हो जाता है, तो ये तीन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ओके, इसका और देख लेते हैं हम लोग। सो 26 का और नंबर क्या है, स्टेट फ्यू स्टेप्स फॉर कंट्रोलिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमोसफियर। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है कि आप ना व्हीकल्स का यूज कम कर लो, क्योंकि व्हीकल्स में जो फ्यूल अपन डालते हैं उसमें जो धुआं निकलता है तो दैट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कम हो जाएगा ना। प्लांट्स को ग्रो कर लो अच्छे से, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर लो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी तो कोल के थ्रू जो जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी वो कम जनरेट करेंगे हम लोग, तो सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। सीएनजी यूज कर लो रेदर देन द कोल एंड पेट्रोलियम बेस्ड व्हीकल्स, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लीजिए। तो ये सारे के सारे कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं, इनमें से कोई भी चार स्टेप आपको इजी लगते हैं वो आप लिख देना। क्लियर बच्चों, आया समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया पेपर थ्री का, अब हम मिलेंगे सेक्शन सी के साथ। आई होप यू फाउंड द आंसर्स वेरी इजी, कुछ भी हो आप मुझे कमेंट में बताएगा, आपको कुछ आंसर्स में कुछ डिफरेंस करना है या समथिंग, इफ यू वॉन्ट सम चेंजेस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।